खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर उधम सिंह नगर की एक अफसर बर्खास्त की गई है। बाल विकास परियोजना अधिकारी लक्ष्मी टमटा को बर्खास्त किया गया है। शासन की तरफ से यहां पर बर्खास्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई थी, जिस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर ये बर्खास्तगी की गई है। तो साफ तौर पर उत्तराखंड से इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के एक अफसर को बर्खास्त किया गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी के तौर पर लक्ष्मी टमटा कार्यरत थी, जिनको बर्खास्त यहां पर किया गया है। शासन ने बर्खास्तगी के आदेश भी यहां पर जारी कर दिए हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई थी, ये फिलहाल कारण ये है बर्खास्त करने का। ये कारण निकलकर स्पष्ट हो पाया है और बाल विकास परियोजना अधिकारी उधम सिंह नगर की लक्ष्मी टमटा बर्खास्त हो गई हैं। शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, ये क्या कुछ पूरा मामला है और अफसर के तौर पर तैनात थी, कब से तैनात थी, किस तरीके से नौकरी पाई और अब बर्खास्तगी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बाल विकास अधिकारी के पद पे तैनात अधिकारी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1988 का है, और ऐसे में जिस प्रकार से शिकायत अधिकारियों को मिला था और ऐसे में इसमें जांच बिठाई गई थी, जांच में ये स्पष्ट हो चुका है कि फर्जी तरीके से जो जाति प्रमाण पत्र है वो बनाए गए थे महिला की तरफ से, जो कि महिला मूलतः जाति से पंत है, ब्राह्मण है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इसमें टमटा और SC ST के तहत उन्होंने जाति प्रमाण बनवाए थे, और ऐसे में जिस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रशासनिक अफसर से जांच के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है, तत्काल इसमें कार्रवाई की गई है शासन स्तर पे। और देखा जाए तो जिस तरीके से अक्सर इस तरह की जो शिकायतें हैं वो विभागों में आती हैं, लेकिन उनमें कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। लंबे समय तक कहीं ना कहीं जो जांच के नाम पे फाइलों को अटकाया जाता है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पे समय रहते जिस तरीके से इसमें बड़ा जो एक्शन है वो लिया गया है, ये कहीं ना कहीं दूसरे विभागों में कार्यरत तमाम ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए एक नजीर बनेगा। आने वाले समय में इस तरह की जो फर्जी वाले काम है वो नहीं हो सकते हैं, और कड़ा जो संदेश है वो पूरे प्रदेश के सभी विभागों में काम करने वाले लोग, चाहे वो नए जो ज्वाइनिंग होते हैं अधिकारी कर्मचारियों को, उनके लिए भी एक कड़ा संदेश देने का काम करेगा। बिल्कुल, कार्यवाही सराहनीय है, लेकिन ये जो तैनाती थी वो कब से तैनाती थी और क्या जाँच के आधार पर ये गड़बड़ी पाई गई इसके बाद यहाँ पर बर्खास्त किया गया है, या फिर इस तरीके से तमाम विभागों में अभी जो जांच है वो जारी है? बिल्कुल, देखा जाए लंबे समय से ये जिस प्रकार से इनकी तैनाती थी, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अपने पति के नाम का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार से जो प्रमाण जाति प्रमाण पत्र होता है उसमें उन्होंने परिवर्तन किया था, और पंत की जगह टमटा का जो प्रयोग है वो जाति प्रमाण के आधार पे किया था, और कहीं ना कहीं SC ST कोटे से इस नौकरी का लाभ लिया था, जो कि मूलतः गलत है। और ऐसे में जिस प्रकार से जांच करने के बाद ये बात सामने आई और अधिकारियों की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई यहाँ की गई है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर देखना होगा ये कार्रवाई आगे भी तमाम विभागों में किस तरीके से जारी रहती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।